हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जेड अचीवर नेटवर्किंग प्रॉब्लम को कैसे 100% सही करें, फिक्स करें। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है जेड अचीवर और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने अपने फ़ोन में अनइंस्टॉल किया है तो यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। अगर आपने इंस्टॉल किया है इसे तो एक बार आपको अनइंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करना है। चलिए अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, फिर से इंस्टॉल करते हैं ताकि गाइस आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉलिंग हो रहा है, अब इसे ओपन करना है। गाइस ध्यान से देखना, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर अलाउ एक्सेस टू मैनेज ऑल फाइल पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर इनेबल कर देना है, फिर बैक आना है, फिर से ओके कर देना है। अब आपको सबसे पहले एंड्रॉयड वाला जो फोल्डर है ऊपर मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको ओबीबी का फोल्डर मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा तो ओके करना है। अब यहाँ पर नीचे यूज दिस फोल्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अलाउ का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। देखिए हमने क्लिक कर दिया, बैक आते हैं। अब ओबीबी वाले फोल्डर पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर ओपन हो रहा है। जो कोई गेम रहेगा यहाँ पर उसका ओवी फाइल शो करेगा। बैक आते हैं, अब आपको डाटा का जो ऑप्शन है फाइल है सबसे ऊपर, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ ओके करना है, कैंसिल नहीं करना है। फिर नीचे यूज दिस फोल्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर जो भी गेम रहेगा उसका यहाँ पर डाटा शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस डाटा और ओवी फाइल दोनों फाइल खुल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अब बैक आते हैं, अब जेड अचीवर ऐप को ओपन करते हैं, एंड्रॉयड में चलते हैं, डाटा में चलते हैं। देखिए सब यहाँ पर शो कर रहा है, ओबीबी में चलते हैं, यहाँ पर भी शो कर रहा है। अगर कोई गेम इंस्टॉल रहेगा तो उसका भी यहाँ पर ओबीबी फाइल शो करेगा। अब देखिए इतना तो आप कर लेंगे। अब गाइस अगर कोई ओबीबी फाइल सेट करना रहेगा तो कैसे सेट करेंगे? तो गाइस जो भी गेम इंस्टॉल रहेगा उसका ओबीबी फाइल यहाँ पर बन जाएगा। जैसे आप गेम को चालू करेंगे तो एंड्रॉयड और ओबीबी में फाइल तो बन जाएगा। ओवी फाइल कैसे आप सेट करेंगे, जहाँ पर ओवी फाइल रहेगी वहाँ पर जाना है। जैसे कि यह है ओवी फाइल, तो यहाँ पर आपको इसके नेम पर क्लिक किए रहना है कुछ टाइम तक। फिर आपको देखिए लॉन्ग प्रेस जैसे किए रहेंगे तो यहाँ पर आपको कट और कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो मैं कॉपी पर क्लिक करता हूँ। और देखिए एक और तरीका है, यहाँ पर अगर आप इस ऑरेंज वाले कलर पर क्लिक करेंगे फाइल के नेम के सामने तो इस प्रकार आ जाएगा। अब आपको ऊपर यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ कॉपी कट का ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए हम यहीं से कॉपी पे क्लिक करते हैं। फिर आपको देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, फिर डिवाइस स्टोरेज पर क्लिक करना है, फिर एंड्रॉयड वाले फोल्डर में जाना है, फिर ओबीबी वाले फोल्डर में जाना है। अब यहाँ पर जो गेम रहेगा उसका ओबीबी फाइल शो करेगा, उस फाइल पर क्लिक करना है तो आप उसके अंदर आ जाएंगे। फिर आपको नीचे यहाँ पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ओवी फाइल सेट हो जाएगा। फिर आप गेम को चालू करेंगे तो गेम चालू हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप सही कर सकते हैं इसके प्रॉब्लम को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।